Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So guys, आज हम एक stand up comedy पर react करने वाले हैं जो श्रेया प्रियम का है and इन्होंने अपने YouTube पे मतलब first video की ही है, तो I am super excited कि ये कैसा होने वाला है because मैंने Instagram जब मैं scroll करी तो मेरे पास एक छोटी सी reel आई थी और वो बहुत ज्यादा मजेदार थी and अब ये पूरी video देखते हैं कि ये कैसा, बहुत मजा आने वाला है मेरे ख्याल से. एंड इसका टाइटल ही इतना बढ़िया है, गोल्ड डिगर, सो व्हाई नॉट, लेट्स गो टू द वीडियो. लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो. मैं समझ सकती हूँ, मेरी बात इट माइट ऑफेंड वुमेन स्पेशली हु आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप सेल्फ मेड हो, आप हार्ड वर्किंग हो एंड बेस्ट, आप मेरे रास्ते में नहीं आ रहे हो. मनी पर कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि पैसों से खुशी नहीं मिलती और मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए कि यार इस बेचारे को कभी कैशबैक नहीं मिला क्या. मुझे तो यकीन है अगर मैं कोमा में चली गई ना गलती से तो राखी के दिन उठ जाऊंगी. क्योंकि आई नो द इम्पोर्टेंस, मैं 4 साल की थी, मैंने एक भिखारी की कटोरी में पैसे देखे और मैं सैड हो गई कि ये मेरी पॉकेट मनी से ज्यादा है. वो भी एक दिन में कमा, इतनी इंस्पायर हुई मैं कि अगले दिन से मैं भीख मांगने लग गई. घर पे गेस्ट आए कह रहे बेटा हाय, मैं कह रही हूँ अंकल हेलो. फिर दिए पैसे उन्होंने मुझे और कहा बेटा बड़े होके क्या बनोगे, बड़ी भिखारिन बनूंगी और क्या है. जब मैं 6 साल की हुई मैंने एक मूवी देखी जिसमें श्रीदेवी अपने गरीब पति अनिल कपूर को 2 करोड़ में बेच देती है. यार मैं खुश हो गई कि कर सकते हैं सब क्या. अगले दिन मम्मी को कह रही हूँ मम्मी मुझे टॉफी खिला दो. मम्मी कह रही पापा के पास इतने पैसे नहीं है. अरे पापा खुद पैसे हैं, आप बस हाँ बोलो, हम मिल के उनको 50 लाख में निकाल देंगे यहाँ से. 50 लात मारी मुझे, कह रही यही सब सोचते रहते तेरी शादी करा दे. मैंने ठीक है करा दो मेरी शादी, बट ऐसा पति लाओ जिसको बेच के मुझे 2 करोड़ मिल सके. बट ऑफ कोर्स अब मैं बड़ी हो गई तो मेरे आइडियाज बदल गए हैं मैरिज लव सब चीज को लेके. नाउ आई बिलीव कि भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है और मेरे लिए भी कोई है जो बहुत अमीर है. सिंपल सी शादी करूंगी मैं फ्रांस इटली में कहीं पे, सच कुछ डिमांड्स नहीं है मेरे. एंड आई हैपन टू शेयर दीज सेम थॉट्स विद अ गाय ऑन अ डेट. आई थॉट आई वुड ड्रीमर बोलेगा, फिलोसोफर बोलेगा, गोल्ड डिगर बोल के चला गया. गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट गोल्ड डिगर्स बिकॉज कॉम्पिटिशन. सेकेंडली अगर गोल्ड डिगर नहीं तो क्या ऑप्शन है, गोबर लवर. नहीं, किसका सपना होता है कि मेरे सपनों का राजकुमार या राजकुमारी ऑटो के पीछे लटक गया है. कौन ऐसे बोल रहा है वाओ यार इसके पीठ पे सीमेंट की पूरी क्या सेक्सी लग रही है. कौन ऐसे सोच रहा है यार मेरी आइडियल डेट तो कंस्ट्रक्शन साइट पे होगी, मेरा बॉयफ्रेंड सीमेंट घोलेगा, मैं ईंट जोड़ूंगी, वो चूना पोतेगा, मैं बीड़ी फूकूंगी. मैं अपने पार्टनर के साथ घर बनाना चाहती हूँ बट नॉट लिटरली. यार अजीब रहेगा मेरे घर पे आया है मम्मी वगैरह, ओह दमाद आ गया, आओ आओ बैठो बैठो, और कोने में जाके बैठ जाए. बताओ कोई नल ठीक कर दूं यहाँ पे, कुछ प्लस्तर कराना हो तो मुझे ही बताना. उससे पूछ रहे हैं कि दहेज तो नहीं लोगे, कह रहा नहीं बस दिहाड़ी लेता हूँ मैं. And if not choosing a person like that makes me a gold digger, then I am a gold digger. I am an ethical gold digger. मैं किसी ऐसे लड़के पे मेहनत ही नहीं करना चाहती जो अपने बाप के पैसे उड़ा रहा है. मैं उसके बाप को ना पटा लूं फिर. पर बहुत अजीब लगेगा यार कि मैं अपने बुड्ढे बॉयफ्रेंड का फोन चेक कर रही हूँ और उसकी फोन की ब्राइटनेस देख के मेरी आंखें ऐसे हो रही है. मैं बोल रही हूँ और बताओ थोड़ा कुछ, और अपने मोतिया बींद के बारे में बता रहा है मुझे. कह रहा मरते दम तक तुम्हें प्यार करूंगा. मैं लाइक सिर्फ 2 दिन बाकी है. रात को बोल रहा है प्लीज गो डाउन ऑन, मैं पैर छू के भाग जा रही हूँ.
He's like, call me daddy. Girl, जिसे दादाजी बोल दे रही हूँ. Oh my God. The list is endless. But सच्ची सच्ची में अगर बताऊँ, तो मुझे एक अमीर लड़का चाहिए भी नहीं है. मुझे चाहिए एक aspirational गरीब. समझ रहे हो आप? Someone who's willing to work hard to be successful. Because behind every successful man, there's a woman. मैं भी चाहती हूँ मुझे एक शाहरुख खान मिले जिसकी मैं गौरी खान बनूँ और फिर उसके पैसों से अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दूँ. थोड़ा वैसा सा जोन है मेरा, बट मैं समझ सकती हूँ. मेरी बात इट माइट ऑफेंड वुमेन स्पेशली हुआ फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप सेल्फ मेड हो, आप हार्ड वर्किंग हो एंड बेस्ट, आप मेरे रास्ते में नहीं आ रहे हो. बहुत अच्छा लगता है, सिक्योर फील करती हूँ मैं. मेरी खुद की बड़ी बहन बाय द वे डॉक्टर है, पता नहीं कैसे बन गई सेम परवरिश पर. बहुत बहुत पैसे कमाती है, इतने पैसे कमाती कि उसका पति घर पे बैठता है. Wow. उसका पति लिटरली उसके पैसों पे पल रहा है और ये सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बहन का पति मैं क्यों नहीं हूँ यार. मुझे भी दिन भर घर पे बैठ के टीवी देखना है. बट लड़कों को कभी कोई गोल्ड डिगर नहीं बोलता क्योंकि लड़के होते भी नहीं है. लड़के एक्चुअली में मेहनत करते हैं और फिर दहेज ले लेते हैं. मेरी एक दोस्त से अरेंज मैरिज में 80 लाख रुपए दहेज में, 80 लाख दहेज में मांग लिया. यार इतना कौन बनेगा करोड़पति में भी नहीं जीत सकता है वो. कितना ही फास्टेस्ट फिंगर कर लेगा यार. मैंने अपनी बुआ को भी ये सेम बात बताई तो वो भी गुस्सा हो गई, 80 लाख कैसे ले सकता है, करता क्या है वो लड़का. It's like bank PO है. और गुस्सा की बैंक पीओ के 80 लाख ले रहा है. मेरा बेटा भी तो बैंक पीओ है पर मैंने तो सिर्फ 30 लाख लिए थे. हाँ उतना ही रेट है उनके हिसाब से बैंक पीओ का. मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बता दिया है कि लगता है मैं गोल्ड डिगर निकल गई हूँ और डांट दिया मुझे कि गोल डिगर क्या होता है. गोल डिगर बन, GOAL, गोल डिगर. और बता तेरा गोल क्या है. गोल्ड ही है ऑफ कोर्स. और कुछ सॉरी कि शर्म नहीं आती तुझे, तू किसी पैसे वाले लड़के से शादी करेगी तो तेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा. बहुत अच्छा लगेगा यार. नहीं मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा बड़े गोल डिगर हैं. उन्होंने बचपन से मुझे कहा है कि तुम्हारे लिए बहुत अमीर खानदान ढूंढेंगे. बहुत अमीर लड़का, बहुत अमीर, अब शादी का टाइम हो गया. बीमा एजेंट की फोटो दिखा दी. कह रहे इसके हर बॉडी पार्ट का बीमा हो रखा है. गांड भी टूटेगी, पैसा मिलेगा. सो ऑफेंसिव. मैंने इन सब बातों को इग्नोर किया और सारा फोकस अपना GDSC क्लियर करने में लगाया. GDSC क्लियर की मैंने, गोल्ड डिगर सर्विस कमीशन. द फर्स्ट स्टेप वॉज ऑफ कोर्स टू डाउनलोड ऑल द डेटिंग एप्स. बहुत सारे आ गए हैं बट बेस्ट तो मुझे लिंक्डइन ही लगी. तुरंत फैक्ट चेक कर सकते हो आप. बहुत मेहनत की मैंने और फाइनली एक लड़के को पटा लिया मैंने. पूरे दिन मेरे लिए गाने गाते रहता कि कैसे मुझे तुम मिल गई. कैसे बताऊँ उसको यार कि लिंक्डइन पे तेरी प्रोफाइल देखी और फिर तेरे ऑफिस के नीचे आके टिंडर ऑन कर लिया. पूछ रहा है तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा. तेरी CV देखी यार. तुझमें है वो CEO वाली बात, तू बन सकता है, मेहनत करते रहे. We spend a lot of time together. इतना जब आप time spend करते हो किसी के साथ, you start to feel something, right? And I was also feeling uncomfortable. क्योंकि हर date पे मैं ही pay कर रही हूँ. हाँ पता नहीं सारा खाना order करने के बाद अचानक से उसका UPI कैसे काम करना बंद कर देता है यार. मेरा फिर से UPI नहीं चल रहा. अरे तू रत रख लेना फिर. बट मैंने कभी माइंड नहीं किया पे करने से क्योंकि पैसों की कमी नहीं है. पैसे मांग लेती हूँ मैं लोगों से. हाँ इन्वेस्टमेंट के लिए करना पड़ता है यार ये सब. मैं पे करते रही हमेशा. शूज गिफ्ट कर रही हूँ, मूवीज में लेके जा रही हूँ. पर मुझे समझ में नहीं आया इतने टाइम में कि मेरा एक्चुअली में रिवर्स गोल्ड डिगर हो रहा है.
शुगर डैडी बन गई मैं बट स्टिल मैं होपफुल की थी अभी इन्वेस्टमेंट हुई रिटर्न तो मिलेगा ही. डंप कर दिया उसने मुझे. हाँ कह रहा तू बहुत पैसे उड़ा दिए. अरे तुझ पे उड़ा रही थी कुत्ते यार. बोल रहे हाँ तो क्या हुआ तुझसे ज्यादा सुंदर लड़की मुझे मिल जाएगी जो मुझ पे ज्यादा पैसे उड़ाएगी. ओह माय गॉड. और मैं बस ऐसी हो गई कि रिक्वेस्ट ही करते रह गई कि ऐसा मत बोल आयुष मैं तुझे बुला नहीं पाऊंगी. एंड ही वाज स्टिल लाइक कि क्या कह रही हो मेरा नाम पीयूष है. हमने वीडियो देख लिया एंड ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था. लाइक मैं इसमें अपना एक फेवरेट पार्ट भी नहीं बता सकती क्योंकि इसमें लाइक एवरीथिंग मेरा फेवरेट बन चुका है. मतलब हर पार्ट में मेरे को इतना मजा आया एंड मेरा फेवरेट था वो जियो एल गोल्ड डिगर यही वाला मेरे पास गोल्ड. हाँ एंड यही वाला मेरे पास रील आया था इसको देखने के बाद लाइक आई वाज ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है. एंड अभी यूट्यूब पे देखा तो ये इनका फर्स्ट ही वीडियो है. And I am super excited for more की मतलब और कैसे अच्छे अच्छे ये लोग डालने वाले हैं. Guys आप लोग भी जरूर देखो इसको. लाइक बहुत बड़ा चैनल नहीं है ये लेकिन आप इसको देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा अमेजिंग है. लाइक इनका द वे जिस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे थे बता रहे थे बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रहे थे कनेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं लोगों को अपने साथ. लाइक हम भी कनेक्ट कर रहे थे तो बहुत ज्यादा मजा आया हमें. Are you golden? क्योंकि जिस तरीके से वो बता रहे थे तो हम उसको सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे. एंड जो सबसे खतरनाक चीज था वो एंड था इसका. लाइक एंड क्या हुआ उसका. उनका स्टार्टिंग वाला पॉइंट और एट द एंड जो था वो बिल्कुल ही डिफिकल्ट हो चुका था. एंड तो साइड वाला मूवमेंट आ गया था बट ऑल ओवर वीडियो लाइक बहुत मजा आया. गाइस आप इसको जरूर देखो एंड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना. हमें बहुत पसंद आया. आपको भी पसंद आई हो तो जल्दी से कमेंट करके बताना आपका कौन सा फेवरेट पार्ट है वो भी बताना. और साथ में वीडियो हमारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर.